क्या मैं क्यों लिखता हूं? ये ऐसा सवाल है कि मैं क्यों खाता हूं, मैं क्यों पीता हूं, लेकिन इस दृष्टि से मुख्तलिफ है कि खाने और पीने पर मुझे रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन जब मैं लिखता हूं तो मुझे नकदी की सूरत में कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। मगर जब गहराई में जाता हूं तो ये पता चलता है कि ये गलत है, क्योंकि मैं रुपये के बलबूते पे ही लिखता हूं। अगर मुझे खाना पीना ना मिले तो जाहिर सी बात है मेरे अंग इस हाल में तो होंगे नहीं कि हाथ में कलम उठा सके। हाँ, हो सकता है कि फाका कशी की हालत में दिमाग चलता रहे, मगर हाथों का चलना भी तो जरूरी है, और अगर हाथ ना भी चले तो जुबान ही चलनी चाहिए। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि इंसान खाए पिए बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। लोग कला को इतना ऊंचा रुतबा देते हैं कि उसके झंडे सातवें आसमान से मिला देते हैं, मगर क्या यह हकीकत नहीं कि हर महान और श्रेष्ठ चीज एक सूखी रोटी की मोहताज होती है? तो जनाब, मैं लिखता हूं इसीलिए कि मुझे कुछ कहना होता है, मैं लिखता हूं इसीलिए कि कुछ कमा सकूं, ताकि कुछ कहने के काबिल हो सकूं। ये रोटी और कला, इनका संबंध प्रकट रूप से बहुत ही अजीब सा मालूम होता है, मगर क्या करें, खुदा उन तालों को यही मंजूर है। वो खुद को हर चीज से निरपेक्ष बताता है, ना गलत है, वो निरपेक्ष हरगिज नहीं है, क्योंकि उसे चाहिए इबादत, और ये इबादत एक नर्म नाजुक रोटी है, या यूं कहिए कि चुपड़ी हुई रोटी है जिससे वो अपना पेट भरता है। मेरे पड़ोस में अगर कोई औरत हर रोज अपने खाविन से मार खाती है और फिर उसी के जूते साफ करती है, तो मेरे दिल में उसके लिए जरा बराबर की हमदर्दी नहीं पैदा होती। लेकिन वही कई औरत अपने खाविन से लड़कर उसको खुदकुशी की धमकी देकर जब सिनेमा देखने चले जाती है और मैं उसके खाविन को अगले 2 घंटे नहायत ही परेशान देखता हूं, तो मुझे दोनों से एक अजीब वो गरीब किस्म की हमदर्दी सी पैदा हो जाती है। किसी लड़के को किसी लड़की से इश्क हो जाए तो मैं उसे जुकाम बराबर की अहमियत नहीं देता, हाँ, लेकिन वो लड़का जरूर मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींचेगा जो ये जाहिर कर दे कि उसमें सैकड़ों लड़कियां जान देती हैं, लेकिन असल में वो मोहब्बत का उतना ही भूखा हो जितना बंगाल में भूख से पीड़ित कोई बाशिंदा। अब इस बजाई आशिक की रंगीन बातों में जो ट्रेजिडियस सिसकियां भरती होंगी ना, उसको मैं अपने दिल के कानों से सुनूंगा और औरों को सुनाऊंगा नहीं। ये चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है, वो मेरे अफसानों की हीरोइन नहीं बन सकती। मेरी हीरोइन एक चकले की टखियाई रंडी हो सकती है जो रात को जागती है, मगर दिन में सोते सोते कभी ये भयानक सपना देख के जाग जाती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पे दस्तक देने आ गया, उसके भारी भारी पकोटे जिनमें वर्षों से उछटी हुई नींद जम गई है मेरे अरमानों का मौजू बन सकती है। उसकी गलाजत, उसकी बीमारियां, उसका चिड़चिड़ापन, उसकी गालियां, ये सब मुझे भाती है और मैं इसके मुतालिक लिखता हूं। और ये घरेलू औरतें, उनकी सस्ता कलामियां, उनकी सेहत, उनकी नफासत पसंदी, मैं इन सबको नजरअंदाज कर जाता हूं। तो हजरात, सादत हसन मंटो लिखता है इसीलिए कि वो खुदा जितना बड़ा अफसाना साज शायर नहीं, ये तो उसकी अजीजी है जो उससे लिखवाती है।